नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। देखेंगे कि अभी हाल ही में ऐसे क्यों आर्टिकल को लिखा गया है और संसदीय शासन व्यवस्था से आपका तात्पर्य क्या है, यानी कि मतलब क्या होता है आखिर। सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या होती है, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है इसमें, और संसदीय शासन व्यवस्था के दोष यानी कि इसमें समस्याएं क्या क्या हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य क्या है आपका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, इसमें दोष क्या है, और संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण क्या है, और भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विभेद क्या है। यानी कि लगभग लगभग आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे इसमें। भारत का संविधान ना तो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ है और ना ही यह किसी धर्म संहिता पर आधारित है। कहने का सीधा सा मतलब है कि ये ना तो ब्रिटेन की जो भारत का संविधान है, ब्रिटेन की संसद में पारित नहीं हुआ जो वहाँ सांसद है, ये ना तो किसी धर्म पर आधारित है। आप सोचें कि कई आप धर्म देखते हैं कि मुस्लिम देश हैं तो उनका संविधान उन्हीं के उसी के आधार पर पारित किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि धर्म निरपेक्ष हमारा भारत है, यहाँ सभी धर्म रहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ना ही संविधान में आप देखते हैं किसी को कोई संरक्षण की बात की जाती है, कहीं हिंदू धर्म को संरक्षण दे दिया जाए और बाकी धर्मों को छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के लोगों के संकल्प की प्रतिनिधि संस्था संप्रभु संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, जिसकी प्रस्तावना ने हमारे हमारी आगे की दिशा तय की। संविधान सभा में काफी सोच विचार और बहस मुबाहिसे के बाद शासन की संसदीय व्यवस्था चुनी गई। केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में और अनुच्छेद 163 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एक बात आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि देखिए आज का समय और उस समय का, जब हम आजाद हुए, संविधान हमारा जब बना, तो उस समय देखिए आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लिया गया, फिर चाहे आप लोग भीमराव अम्बेडकर साहब को ले लीजिए, समझ रहे हैं, मतलब सभी को सम्मिलित किया गया इसमें। ऐसा नहीं है कि किसी अगर विचारधारा नहीं मिलती है तो उसको बाहर कर दिया जाए, नहीं, सभी को सम्मिलित किया गया। अब आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा गांधी और नेहरू से नहीं मिलती थी, फिर भी उन्हें भी शामिल किया गया संविधान सभा में, ठीक है। तो तरह तरह के लोगों को, आप भीमराव अम्बेडकर साहब को देख सकते हैं, कानून के कितने बड़े ज्ञातज्ञ थे, तो उन्हें भी शामिल किया गया इसमें। और आप जानते हैं कि हमारा संविधान 1949 में 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो गया, फिर जाके 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में अधिक मुफीद और कारगर थी। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्व दिया, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है। विधायी सदनों का कामकाज काफी लंबे से घटा है, बहस की गुणवत्ता लगातार घटी है। राजस्थान विधानसभा इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। इस घटना से कुछ विशेषज्ञों ने भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है। अभी आप लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक का कह दिया है कई, मतलब आपने देखा है विद्वानों ने कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। देखिए ये लोकतंत्र हो या फिर सचिवीय संसदीय प्रणाली हो, यहाँ मतलब आप संविधान के तहत चलिए ना, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी नेता है सरकार तोड़ना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो यही किया करती थी। आज जो बीजेपी कर रही है आपकी, यही वो किया करती थी कि यहाँ सरकारें गिराना, वहां विधायक खरीदना, यहाँ करना। आप एक बार एक टाइम सोच कर देख सकते हैं कि हमारा देश कितनी बुरी तरह से अभी प्रभावित है कोरोना वायरस से, और केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 48,000 50,000 के करीब आप देख रहे हैं डेली के केस,
अभी सभी लोगों को, पूरे देश को इकट्ठा होकर उससे लड़ना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ सरकार गिराना, वहाँ सरकार बनाना, इसी तरह की बयानबाजी चल रही है। समझ, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लोकतंत्र है और जब विपक्ष कमजोर हो तो उस लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आप कहें कि मोदी की जीत, मोदी के काम ने उन्हें जिताया 2019 का चुनाव, बिल्कुल नहीं ऐसा है। ठीक है, आधी जो हमारे देश के वोटर हैं उनकी अंधभक्ति का कारण है और आधा कांग्रेस के कमजोर होने का कारण है। देखिए, विपक्ष तगड़ा हो तो ना, मतलब आप कहते हैं ना कि वही वैसा ही हाल है कि एक आपके साथ विकलांग खड़ा हुआ है, रेसिंग लगनी है, यानी कि दौड़ हो रही है, एक विकलांग खड़ा हुआ है, एक आप सही आदमी खड़े हुए, तो विकलांग से आप अगर दौड़ करेंगे, उससे बराबरी करेंगे, तो आप तो नॉर्मल जीत जाएंगे, आप पैदल चलेंगे तब भी जीत जाएंगे। समझ रहे, तो एक तरह से विकलांग आप लोग कांग्रेस को ले सकते हैं और बीजेपी को आप लोग इस तरह से ले सकते हैं। मजा तो तभी आता है कि जब दोनों तरफ आप सोचिए कि तगड़ी तगड़ी पार्टी हो, तभी लोकतंत्र भी सेफ रहता है। और एक बात और हमेशा याद रखिए, वोटर का कहने का मतलब यहाँ मेरा अंधभक्ति का इतना है, क्योंकि अभी कल ही परसों मैं आपके अन्ना हजारे साहब का, जिन्होंने आपने देखा है सूचना का अधिकार दिलाने में पूरी कोशिश की हो, मिला है उन्हीं के कारण। लोकपाल देखिए पूरी तरह से उन्हीं की देन है। तो उन्होंने से किसी ने पूछा कि वो तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हो, तो उन्होंने खुद माना है कि हमारे यहाँ के जो वोटर हैं वो 500 हजार रुपये देख कर वोट देते हैं, धर्म को देख कर वोट देते हैं। बोले मेरी जमानत जब्त हो जाएगी अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो। सोचिए, जिसने अपनी जिंदगी पूरी देश के लिए खपा दी, आज उसके मुंह से ये शब्द सुनना, सुनते सम वक्त कितना बुरा लगता होगा लोगों को, कि जो अपना देश को सब कुछ दे चुका है, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि हमारे यहाँ के देश के जो भी नागरिक हैं, वोटर हैं, जागरूक नहीं है। आप सोचिए, एक धर्म के नाम पर हम लोग चुनाव निपट जाता है हमारे यहाँ का। ऑस्ट्रेलिया का देखिए, अभी चुनाव हुआ था, पूरा पर्यावरण पर था कि पर्यावरण स्वच्छ कौन करेगा, कौन सा नेता। केरल में आप देख सकते हैं कि काम के नाम पर वोट होता है। कहा जाता है कि जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा था बाकी हिस्सों में, तो केरल में स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार की बात पर चुनाव हो रहे थे, इसीलिए आप देखते हैं केरल हर हर मामले में आपके हर राज्यों से बेहतर स्थिति में। दिल्ली का देख लीजिए आप लोग, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब हो, उसे क्या जरूरत होती है उसके बच्चों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने दिया है, कितना भी बुरा हो लेकिन दिया तो है, बेहतर दिया है, अभी रिजल्ट आया हुआ है हाल में। तो देखिए आप लोग, सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उन्होंने बेहतर स्कोर किया है प्राइवेट स्कूलों से, और उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह से पूरे सभी बड़े बड़े नेता, कई मुख्यमंत्री, गृह मंत्री खुद चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। समझ में आए कि जनता पढ़ी लिखी है, बेवकूफ नहीं है। और आप सोचते हैं कि चाइना से हमें बराबरी करनी है, अमेरिका से बराबरी करनी है, हम अगर इस तरह से धर्म की राजनीति करते रहे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आए, ये हमारी सिर्फ एकता को, अखंडता को बहुत बुरी तरह से प्रभावित ही करेंगे। मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, धर्म बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, इसके लिए धर्म गुरु बैठे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट आपका बैठा हुआ है ना, आप केवल काम के नाम पर वोट देना चाहिए हमें तो। देखिए, राम मंदिर बनना या कोई भी कुछ भी होना देश में, ये सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, नेता क्या निर्णय करेंगे उसमें। और आपको लगता है चाइना से आप लोग आगे हैं, चाइना की बराबरी कर रहे हैं, तो कभी उसकी जीडीपी का मामला देख लीजिए, या फिर 1000 रैंकिंग आती है उसमें एक में भी देखना कि भारत कहाँ स्थिति में, भारत की। ठीक है, तो हमें अपने अंदर झांकने की आदत नहीं है, हमें दूसरे के घरों में झांकने की आदत है। हम अपने अंदर झांक कर देख नहीं सकते हैं कि हमारे कमियां क्या क्या है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक विद्या विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति
और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। याद रखें जो आपका राज्य का मुखिया यानी कि देश का मुखिया जो राष्ट्रपति है ये नाम मात्र का होता है, समझ में आया? प्रधानमंत्री आपका मैन होता है, उसी के पास पावर रहती है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश का शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। सरकार के गठन की प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके मुख्य प्रमुख प्रधानमंत्री होती है। उसकी उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का पर सहमति देता है। यहाँ ये नहीं कह सकते आप लोग कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति या अपनी इच्छा से किसी को भी मंत्री बना दे, नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो अन्य मंत्री उनको चुनेगा, यानी कि प्रधानमंत्री जिसे कहेगा उसी को चुनना बनाना पड़ेगा मंत्री। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब ये भी आप लोग यहाँ याद रखिए कि प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त किया जाता है जिसके पास बहुमत हो या फिर आशा हो कि ये बहुमत जुटा सकेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम है कि इसके पास बहुमत है, नहीं है, उसे भी आप लोग प्रधानमंत्री बना लें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। याद रखिए हमारे यहाँ मतलब बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई थी बस, लेकिन बाद के आने वाली बात नेताओं ने पूरी बिगाड़ के रख दी है। देखिए लोकसभा में जनता के द्वारा चुने जाते थे, राज्यसभा में आपके जो एमपी है एमएलए है ये चुनते थे। तो समझिए एमपी एमएलए जो राज्यसभा होती थी, जैसे आप सोचिए चलिए अनपढ़ चुन लिए जाए या लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में एक विशेषज्ञता की बात की जाती थी कि उन लोगों को जगह दी जाए जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो पॉलिटिशियन मतलब राजनीति में बड़े ज्ञानी हैं हर क्षेत्र में, उन्हें जगह दी जाए। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि जो चुनाव लोकसभा का चुनाव हार जाता है या फिर पार्टी के मतलब के लिए कोई बड़ा नेता है उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। करोड़ों की सीट होती है वहाँ एक सीट के लिए, उन्हें भी जिसके पास पैसा है उन्हें भी भेज दिया जाता है। तो समझ रहे हैं आप लोग ये स्थिति बनी हुई है। अभी तो आपने देखा है कि जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के, उनको भी राज्यसभा में भेज दिया गया है। तो यहाँ भी पिसने चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आज आपने उन्हें भेजा है, ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस के समय से भी ये देखने को आपको मिला है। तो आपकी जो अभी न्यायपालिका है इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगेंगे कि आप सोचिए कि आज जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उसे पता हो कि आगे उसे राज्यसभा की सीट मिल सकती है या कोई और बड़ा पद मिल सकता है, तो वो तो सरकार के पक्ष में फैसला लेगा ना, सरकार के पक्ष में जो भी निर्णय होगा उसे देगा ना। तो ये चिन्ह भी हमारी न्यायपालिका पर भी उठने लगा है। बता रहा हूं ना कि हमारे जो नेता आए हुए हैं इन्होंने पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ के रख दिया है। संसदीय प्रणाली की विशेषता है बहुमत प्राप्त दल का शासन। आम लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाली राजनीतिक दल सरकार बनाता है। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। शेष मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। संसद का निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है। जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त रहता है। यानी कहने का मतलब है कि आधे से अधिक संसद सदस्यों की यानी कि लोकसभा में सदस्यों की जरूरत होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री चुनेंगे। अगर आपको लगता है कि उसके पास बहुमत नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लिया लाया जाता है लोकसभा में, अगर नहीं होता है उसका बहुमत पूर्ण तो उसे हटना पड़ता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका।
भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। एक तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति को पार्टियां ही तो चुनती हैं। इस बार आपने देखा है कोविंद साहब हैं, इन्हें किसने चुना? एनडीए ने, यानी कि बीजेपी और के सहयोगी दल है, उनने चुना। अब ये काम किसके लिए करेंगे? एक तरह से बीजेपी के लिए। समझ रहे हैं लोग, आप लोग की इनडायरेक्ट ये काम किसके लिए करेंगे? बीजेपी के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचिए बीजेपी के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जो ये कह दें, कोविंद साहब को वही करना पड़ेगा। इनके पास ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी निर्णय लें। दूसरी तरफ आप सोचिए, यूपीए की प्रधानमंत्री थी आपकी मीरा, सॉरी राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी मीरा कुमारी, अगर ये चुनाव जीत जाती तो आप सोचिए इन्हें भी काम वही करना पड़ता जो कांग्रेस कहती, तो ये भी दोष है। केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होती हैं और भी मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। दोहरी सदस्यता, मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। द्विसदनीय विधायिका, संसदीय प्रणाली वाले देश में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। भारत में भी लोकसभा उच्च सदन और राज्यसभा यानी कि निम्न सदन की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र लोक सेवा, संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है। गोपनीयता, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियां, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। अब बात करें संसदीय शासन व्यवस्था के दोष की। अस्थायित्व, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु वह कार्य तभी तक कर सकती है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि आप सोचें कि कोई प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद का गठन हो चुका है, उसके प्रति अविश्वास है लोगों को, वहां की संसद सदस्यों को, और उसके पास बहुमत की नहीं है, एक मालूम चल जाए तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। नीतिगत तो और निरंतरता का अभाव, संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है, परिणाम स्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है। शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन, संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं, उनके पास विशेष ज्ञान का अभाव होता है। एक बात सोचिए आप लोग कि अगर आपको पुलिस वाला भी बनना है, कांस्टेबल भी बनना है, तो 10वीं पास कम से कम चाहिए होगा, लेकिन एक नेता के लिए देखिए 8वीं कक्षा 8वीं का फेल, वो भी आजकल 5वीं भी पास नहीं कर पाया, वो भी आपका मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। आप सोचिए वो आपके लिए क्या नियम कानून बनाएगा, आप सोच सकते हैं ना। और याद रखिए, आपके जो 60% तक दागी सांसद आपके लोकसभा में बैठे हुए हैं, राज्यसभा, विधानसभा, आप सोचिए जिन्होंने बलात्कार का केस चल रहा है, जिन पर मर्डर का केस चल रहा है, जिन पर चोरी डकैती का केस चल रहा है, वही आपके संसद में जाकर बैठे हुए हैं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं देश की कहाँ तक जा सकता है। गठबंधन की राजनीति, संसदीय शासन व्यवस्था ने अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्णय किया है। इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बाधित किया है। अब याद रखिए क्या होता है कि गठबंधन की जो राजनीति होती है, एक एक पार्टी को पूरी पूरी तरह से बहुमत नहीं मिलता है। 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास पूरा बहुमत रहा है, लेकिन जब गठबंधन बनता है, बहुमत नहीं रहता है, तो अपने अपने मलाईदार जो विभाग होते हैं उन्हें ले लिया जाता है, और फिर और बुरी तरह से हमारा देश प्रभावित होता है। राजनीति का अपराधीकरण, संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धनबल बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप देखिए कि एक ईमानदार, मुझे नहीं लगता है कि इस समय चुनाव जीत पाएगा हमारे देश में लोकसभा या फिर राज्यसभा का,
और बाकी देखिए आप लोग, अगर आपने एक दो मर्डर कर दिए तो आप तुरंत चुनाव जीत जाएंगे। तो मतलब वो तो वैसा ही है कि जिसने जितने ज्यादा मर्डर किए उतना ही जीतने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष और सरकार कार्यपालिका का भी अध्यक्ष ही होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं कर रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो स्थायित्व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या फिर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियां एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य करती है। नीतियों में निरंतरता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है जिससे उनकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। वायडाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं रहता है एक दूसरे का। विशेषज्ञों का शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रहित के द्वारा अपने कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता को अधिक महत्व देता है। और आपके यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ होता है ऐसा कि दागियों को जो जितना मर्डर किए हुए उन्हें ही कार्यपालिका में हिस्सा बना लेता है। एक बात और याद रखिए, अभी कोरोना महामारी के टाइम भी आपने देखा है कि आपके आगे जो अर्थशास्त्री हुए, फिर चाहे अभिजीत बनर्जी साहब हों, उर्जित पटेल साहब हों, फिर चाहे आपके रघुराम राजन साहब, इनकी सलाह अमेरिका देख लीजिए, चीन देख लीजिए, ब्रिटेन या सिंगापुर, जापान, सभी देशों ने इनकी सलाह ली हुई है। यानी कि कहने का मतलब है कि इन्हें बुलाकर इनसे सलाह ली है कि आगे क्या करना चाहिए, देश को की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं को देखिए, जो कक्षा 8वीं 10वीं पास है वो अपने आप को अर्थशास्त्री बना लेते हैं और किसी अर्थशास्त्री से कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद बने बैठे हुए हैं। और वैसे ही देश चले, आप सोचिए, जैसे आप सोचिए आप किसान नहीं है और आप कैसे मालूम चलेगा कि खेती कैसी करनी है, तो किसान ही जानेगा ना उस क्षेत्र के बारे में। देखिए आप हर क्षेत्र के बारे में, आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के बारे में आप बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देश में कि जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है वो भी आजकल कानून बना रहा है और देश के गरीबों के लिए नीतियां बना रहा है। और गरीबों का वही हाल है जो 70 साल पहले था और आज भी है। मुझे तो लगता है 70 साल पहले हमारा बेहतर हाल था अंग्रेजों के समय, क्योंकि अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन के चक्कर में कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुए हुए हम लोग। गरीबों को देखिए किस तरह से मतलब दम तोड़ा है उन्होंने। सबसे बुरा दृश्य तो हमें उस समय का लगा जब एक महिला ने रोड पर बच्चे को जन्म दिया। देखिए मतलब 21वीं सदी में हम लोग पहुंच चुके हैं, उसे इतनी नौबत मतलब इतनी हालत बिगड़ चुकी उसकी कि उसे रोड पर जन्म देना पड़ रहा है बच्चे को, उसके बाद फिर चलने लगती है। इससे भयावह स्थिति कभी नहीं हो सकती है। और आप सोचिए कि हमें किस बात की लोकतंत्र है, हमें कोई बोलने की अच्छे से स्वतंत्रता, अगर कोई बोलता है तो उस पर तुरंत जेल में पहुंच जाता है। अभी कल ही परसों का मैं एक वीडियो देख रहा था MP में, अभी देख रहे हैं आप लोग कि रोजगार नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, तो भोपाल में आपके जो शिक्षक हैं ये और जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो एक कोई बड़े रैंक के पुलिस होगा, पुलिस अफसर, वो मतलब उन्हें धमका रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर केस लिख देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
भाई कहाँ का बोलने, मतलब बोलने का अधिकार भी नहीं रहेगा, धरना देने का भी अधिकार नहीं दिया। वे बड़े मतलब शांति तरीके से धरना पे दर्शन कर रहे हैं। नहीं, और बाकी हम लोग तमाशा देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, चलिए इसी पर खुशी मना लेते हैं। राम मंदिर बनना अच्छी बात है, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन इससे आप सोचें देश आगे बढ़ जाएगा? कभी नहीं। ठीक है, और आपको लगता था कि कोरोना से आप जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, अभी भयावह स्थिति देखते ही जा रहे हैं आप लोग किस तरह से। कई राज्यों के तो आप सीएम भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो जब खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग जनता की आप सोच सकते हैं स्थिति क्या है। बस फर्क इतना है कि वो लोग, उनके पास व्यवस्थाएं हैं, तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट यानी कि अच्छी हॉस्पिटलों में जा पहुंचेगी, और बाकी गरीबों की बात देख रहे हैं आप लोग कि पानी के लिए सुविधा नहीं है हॉस्पिटलों में। अभी आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, देखते रहिए, आपके पास नेट सुविधा है, कम से कम जिंदा ही सही मुर्दा ही सही बनकर देखते तो रहिए तमाशा। आज जिस तरह से हम इतना कह सकता हूं कि आज हम हैं कल ना रहूं, कल परसों जो भी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आज हम लोग जो गांधी नेहरू को गाली देते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें भी गाली देगी, और इतनी भयंकर बुरी तरह से गाली देगी कि ऊपर वाला भी हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, कभी ऊपर वाले ने नहीं कहा कि आपस में लड़िए और वोट उसे दीजिए जो धर्म को बचाने की बात की जाए। धर्म को बचाने की बात छोड़िए, धर्म और भारत ना तो कभी खतरे में था और ना है। आज की बात कर रहे हैं, आज से पहले भी कई मुस्लिम शासक आए, शासक आए, अंग्रेज आए, क्या धर्म खत्म खत्म हुआ हमारा? कभी नहीं। और 2000 2000 3000 साल पहले से हमारा धर्म है, भारत का अस्तित्व 2 3000 साल पहले से, किसी की इतनी औकात नहीं है कि भारत को खत्म कर सके, और इन दो कौड़ी के नेताओं की भी इतनी औकात नहीं है कि भारत के लिए कुछ कर सके। समझ में आया आपको? बहुत पहले से हमारा भारत है और रहेगा, भारत को कभी ना तो खतरा था और ना ही है, समझ रहे हैं? और आज क्या सोच रहे हैं आप लोग कि उस समय तो बलिदान ही दी गई है नेताओं के द्वारा, आज क्या दे रहे हैं? आज तो बस मुंह से फेंक देते हैं। तो यही हाल है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं है इसमें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धनबल, बाहुबल के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर होता है, जिससे राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व उनकी कार्यपालिका राजनीति, दबाव और गठबंधन धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। वह अपने निर्णय स्वयं करता है, उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से कार्यान्वित करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अगर हम लोग दोष यानी कि कमियों की बात करें, तो उत्तरदायित्व का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या फिर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जिससे कार्यपालिका जन सरोकार को ध्यान ना देकर व्यवसायिक हितों को महत्व दे सकती है। निरंकुशता की संभावना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है तथा कार्यपालिका किसी भी प्रकार की से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है, जिससे राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना रहती है। शासन के में व्यापकता का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जिससे इस व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधि निधित्व का अभाव रहता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। चूंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है, इसलिए लोकतंत्र के इन दो स्तंभों में टकराव की संभावना बनी रहती है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की दोष है। अब बात करते हैं संसदीय व्यवस्था की स्वीकारता के कारण। व्यवस्था से निकटता। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौर में से भारत में मौजूद थी, परिणाम स्वरूप भारत संसदीय व्यवस्था में से परिचित था। स्वतंत्रता के बाद यदि अन्य शासन व्यवस्था को अपनाते तो उस व्यवस्था को समझने में काफी समय लगता। उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवस्था। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ की एम मुंशी के अनुसार, भारत ने संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व व जवाबदेही के सिद्धांत का समावेश किया, जिससे यह व्यवस्था भारतीय जनमानस के अनुकूल हो चुकी है। विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान।
संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान मौजूद होता है था, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी थी। भारतीय समाज की प्रकृति, भारत विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला समाज था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में प्रत्येक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। यहाँ आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, पता है आपने सुना होगा कि एक हमारे रेल मंत्री के कार्यकाल में दुर्घटना हो गई थी, तो उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाल ही आज आप अपने देश के जो नेता हैं उनके हाल जान सकते हैं। हमारे देश के संविधान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश की कार्य पद्धति या फिर उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं, बस जो नेता है ये अपना धर्म निभाने लगे और जो जनता है वो भी अपना कर्तव्य निभाने लगे, जागरूक हो जाए, तो सभी समस्याओं को हम लोग खत्म कर सकते हैं, समझ रहे। लेकिन जनता को देखिए, जनता को खुद ही मालूम नहीं है कि जनता किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, उसे तो बस वोट देना है। उसके बस वोट देने के बाद आप देख रहे हैं कि सरकार गिराना, किसके साथ शामिल होना, विधायक का कहाँ जाना, ये विधायक खुद तय करता है। भारत एवं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विभेद की बात करें तो भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की नकल नहीं है, यानी कि ज्यों का त्यों नहीं ले लिया गया है ब्रिटिश से, यह उससे निम्नलिखित मामलों में भिन्न है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया, अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या प्रधानी अनुवांशिक होता है, यानी कि उनके बेटे के बाद बेटा बेटे के बाद ऐसे मतलब परिवार से चुना जाता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था शासन की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था और न्यायपालिका समीक्षा का प्रावधान है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आप मनमोहन सिंह को ले लीजिए, वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, मोदी को ले लीजिए, लोकसभा के सदस्य हैं प्रधानमंत्री बने। तो सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है ये कि आप भी प्रधानमंत्री और मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह तक, 6 महीने के अंदर आपको निर्वाचित होना होगा, या तो राज्यसभा से पहुंच जाइए या लोकसभा से। तो ये प्रणाली थी आपकी संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि समझाने के लिए मैंने कई, आपने देखा कई दिशाओं में हम गए, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की बात करूं कि उसमें आंसर राइटिंग हो फिर इंटरव्यू हो, तो आपको इस तरह की किसी भी की बुराई करने से बचना है, ना तो किसी पर्टिकुलर का नाम लिखना है कि आप लिख दें कि मोदी के बारे में लिख दें या राहुल गांधी के बारे में या किसी और के बारे में। ये तो वो हकीकत है, आप लोग जानते हैं कि हकीकत कुछ और होती है, लेकिन हमें एग्जाम क्रॉस करने के लिए कुछ और लिखना होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राहुल गांधी के बारे में या फिर मोदी के बारे में, तो अब राहुल गांधी के बारे में आप बुराई बुराई मत लिख लीजिए, एक बैलेंस बनाकर लिखिए। मोदी साहब के बारे में अच्छा ही मत लिख दीजिए, यहाँ भी कुछ बैलेंस बनाकर आपको लिखना है। तो चलिए आगे मिलते हैं हम लोग नए आर्टिकल के साथ।